टकला फिर से पकाएगा। कौन बोला ए? कौन बोला? हमको क्या पूछ रहे हो? जिसने बोला उसको जाके पूछो। फालतू का दिमाग खराब कर रहे हो बेटा। दिमाग होगा तो खराब होगा ना। तुम्हारे पास तो दिमाग है ये नहीं। सर जी आपको शायद पता नहीं हमारे पास बहुत दिमाग है। अच्छा हाँ, तो फिर एक सवाल का जवाब दे। पूछो। सोच ले काम का पेड़ है। हाँ, सोच लिया। बीच में टोकता है? पूरा सवाल सुन पहले। तो सोच ले काम का पेड़ है जिसमें 16 केले लटके हैं। अब अगर तूने उसमें से 5 नींबू तोड़ लिया तो बता उस पेड़ में कितना जामुन रहेगा। अरे सर जी ये कैसे सवाल हुआ बेटा? ये ट्रिक वाली क्वेश्चन है। चल उत्तर दे। सर जी अब उस पेड़ में 13 अमरूद रहेगा। मजाक करता है? आम के पेड़ पे अमरूद कहाँ से आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? आपके आम के पेड़ में केला नींबू और जामुन आ सकता है तो अमरूद क्यों नहीं आएगा? बदतमीजी कर रहा। अरे लेकिन सर जी चुप है। हट गवार कहीं का। हम गवार हैं। हम गवार हैं। हाँ। चल कॉपी निकाल। सर हम कॉपी नहीं करते। काहे नहीं करता? वो सर जी लास्ट टाइम कॉपी किया तो बहुत मार पड़ी हमको। कहाँ कॉपी कर रहा था? एग्जाम में कॉपी कर रहे थे। बदतमीज। टेस्ट का रिजल्ट आ गया तुम सबकी? सबने मतलब क्लास के सबने अच्छे नंबर लाए सिवाय एक को छोड़ के। कौन है वो बदतमीज जो हमारी क्लास का नाम खराब कर रहा? कौन है वो बदतमीज? बेटा वो बदतमीज तुम हो। इतना पीटेंगे ना तुमको, हंसना भूल जाओगे। बेटा बहुत बड़ा दादा बन गया तू। हाँ बन गई तू। बेटा कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। क्या बात कर रहा, किससे बात कर रहा, कुछ ख्याल नहीं करता। पिलिलिक पिलिलिक ई, पिलिलिक पिलिलिक ई, पिलिलिक पिलिलिक। किसका फोन बज रहा है? सर जी हमारा फोन बज रहा। काहे बज रहा? वो सर जी हमारी गर्लफ्रेंड फोन कर रही है बार बार हमको। चल काट। क्या फोन काट? सर जी हमने अगर फोन काट दिया ना तो वो हमको काट देगी। अच्छा देखे तो कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? हेलो मिस्टर भानु प्रताप यार। अरे पापा पापा। हेलो 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 कौन है? काट दिया? कौन थी बे? रॉन्ग नंबर थी सर, रॉन्ग नंबर। अच्छा रॉन्ग नंबर था, बच गया। सर जी एक बात बोले। बता। कह रहे दूसरे फटे में टांग नहीं आना चाहिए किसी को, वरना टांग टूटने का डर भी रहता है। बहुत ज्ञान पिल्ला है बेटा। हाँ सर वो बहुत ज्ञानी है ना, इसलिए तो हमारा दूसरा नाम है मिस्टर ज्ञानी। अच्छा इतना ज्ञानी हो गया तो सवाल का जवाब दे। अरे पूछो पूछो कोई भी सवाल पूछो। हाँ तो चल एक ऐसी समस्या बता जिसका समाधान करे तो भी प्रॉब्लम और ना करे तो भी प्रॉब्लम। अरे ये तो बहुत आसान है। हाँ तो बता। मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारी महिलाओं के बीच आपके लुंगी में आग लग गई। क्या कहना चाहता है बे? यही कि उस टाइम पे आप लुंगी उतारेंगे तो भी प्रॉब्लम और नहीं उतारेंगे तो भी प्रॉब्लम। सर जी एक बात बोले, अगली बार घर से बाहर जाते टाइम लुंगी के नीचे अंडरवियर पहन के जाइएगा, नहीं तो अगर किसी दिन लुंगी में आग लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। सर जी देने से याद आया, आपको एक चीज देना है हमको। क्या? धिक्कार। बहुत बड़ा धिक्कार देना है आप पे। जी सर जी। क्लास खत्म होने वाला हो गया, आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं हमको। कैसा टीचर हो? घुइया के टीचर है। कौन बोला? कौन बोला? सर हमने बोला। अभी मुंह ले जाके दीवार पे घिस देंगे, कुछ बोल नहीं पाएगा स्वर्ग का। घिस तो हम भी सकते। तमीज हमारे मुख से गा। हमारे खान का बेटा, हम तो साबुन घिसने की बात कर रहे थे। सर जी घिसने से याद आया, आप भी थोड़ा साबुन घिस लिया करो मुंह पे। काहे? काहे कि आपका मुख काले मुंह वाले बंदर जैसा है। तेरी तो